सुप्रभात बच्चों, हमारे YouTube चैनल गुरुकुलम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है डॉली तालुकदार। आज मैं आप लोगों को एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी एक ऐसी वस्तु के बारे में है जो हमारे दैनिक जीवनचर्या का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। खास करके हम जैसे अध्यापक अध्यापिकाओं या आप जैसे छात्र छात्राओं को इसकी बड़ी ही आवश्यक है। क्या आप लोग सोच पा रहे हैं कि ये चीज क्या है? मैं बताती हूँ, ये चीज है कागज। आज मैं आप लोगों को कागज की कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ। ये आप लोगों के सातवीं कक्षा के हिंदी पुस्तिका का 11वां पाठ है और पाठ का शीर्षक है कागज की कहानी। कागज दिखने में बड़ा ही सुंदर और आकर्षक लगता है। सफेद कागज हमारे कई काम आते हैं। सफेद कागज पर जब हम लिखते हैं तो वो भी बड़ा आकर्षक होता है। सफेद कागजों पर पुस्तकें छपती है, सफेद कागजों से हम पैकिंग आदि भी करते हैं। इस तरह से रंग बिरंगी और सफेद कागजों का कई तरह का प्रयोग होता है। तो सोचो, जब कागज नहीं था तो लोग कहाँ पर लिखते थे? जब कागज नहीं था तो लोग पेड़ों के छाल या पत्तों पर, जीव जंतुओं के खाल पर, मिट्टी की पत्तियों पर और धातु के पत्रों पर, पत्थर आदि पर लिखते थे। जब सोचो तो जब पहली बार मनुष्य ने कागज पर कुछ लिखा होगा या कुछ फूल या जीव जंतुओं के चित्र अंकन किया होगा तो उन्हें कितना अच्छा लगा होगा। आज तो हमारे पास कई प्रकार के कागज है। कागज में हम लिखते हैं, कागज की वजह से हम अनगिनत पुस्तकें पढ़ने को हमें मिल रही है। तो इसी तरह कागज का बहुत ज्यादा उपयोग आज के दिन हो रहा है और कागज की वजह से ही हम लोगों के सभ्यता का इतना ज्यादा विकास हो पा रहा है। तो चलो, ये कागज कहाँ से आया, कैसे आया, किसने इसको बनाया, ये कहानी आज हम लोग सुनते हैं। साइलून नाम के एक चीनी व्यक्ति को कागज का जन्मदाता माना जाता है। लेकिन इससे पहले भी मिस्र देश में पेपिरस नामक एक पौधे से कागज बनाने का प्रयास हो चुका था और उसी पेपिरस शब्द से हमारे अंग्रेजी का पेपर शब्द आया है। तो साइलून क्या करते थे, पेड़ पौधों के बारे में साइलून हमेशा नई नई बातों का पता लगाते थे और इसी तरह साइलून का नाम धीरे धीरे चारों ओर फैल गया था। एक दिन चीन के राजा ने उनके दरबार पर साइलून को बुलाया और साइलून से बोला कि आप में बहुत प्रतिभा है और आप एक ऐसी चीज का खोज कीजिए जिससे क्या होगा, जिसका बहुत उपयोग होता हो और जिसके वजह से आने वाली पीढ़ियां आपके बारे में बोलते हो, आपको याद करते हो, ऐसी एक चीज आप बनाए। तो राजा से यह सुनने के बाद साइलून उसी काम में जुट गया। उसने पेड़ के एक ऐसे गूदे का पता लगाया जिस पर किसी ब्रश या कलम से स्थायी निशान बनाए जा सकते हैं। उसने शहतूत के पेड़ को बहुत ज्यादा छीला। उसको छीलने के बाद उसके भीतर से बारीक रेशे निकल आई और उस रेशे को पानी में मिलाकर साइलून ने बहुत पीसा। पीसते पीसते जब उसकी लुगदी जैसी बन गई तो उसे सूखने के लिए धूप में रख दिया। उसको सूखने के लिए धूप में रख दिया और सूख कर क्या हुआ, एक कठोर परत बन गई।
उसको क्या किया, लकड़ी के पत्ते पर रखकर उसको समान किया, समतल किया। इस तरह कागज का जन्म हुआ। साइलू ने जिस तरह से कागज बनाया था उसी तरह से आज भी कागज बनता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लोग हाथों से कागज बनाया करते थे और आजकल मशीनों में कागज बनता है। शहतूत और बांस से कागज बनता है। इसके अलावा सड़ी हुई लकड़ी, खाद, भूसी तथा अन्य घास फूस से भी कागज बनते हैं। लेकिन इन्हें बनाने में अधिक खर्च आता है। तो प्रत्येक पेड़ पौधा रेशों से बना हुआ होता है और उन रेशों में पेक्टिन, मारी, चीनी आदि रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। और ये तत्व क्या करते हैं, कागज को मजबूती प्रदान करते हैं। कागज को चमकीला और आकर्षक बनाने के लिए उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ भी मिलाया जाता है और रंगीन कागज बनाने के लिए उसमें रंग भी मिलाया जाता है। पहले प्रत्येक कागज को अलग-अलग बनाया जाता था। इसमें बहुत समय लग जाता था। फिर क्या हुआ, फ्रांस और ब्रिटेन के इंजीनियरों ने सरल रूप में ज्यादा कागज कैसे उत्पादन किया जाता है उसमें वो लोग उसका तरीका वो लोग ढूंढने लगे और उसमें उन्होंने सफलता पाई। आज मशीनों से बड़े ही कम समय में अधिक ज्यादा गुणवत्ता वाला कागज उत्पादन हो रहा है। 2000 वर्ष पहले चीन में हाथों से जितना कागज बनता था उससे आज कई हजार गुना ज्यादा कागज बन रहे हैं। कागज बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा तादाद पर पेड़ पौधे चाहिए होते हैं और जो कंपनियां कागज बनाती है वो बड़ी बड़ी जंगलें खरीद कर उसमें से पेड़ पौधे काट लेते हैं। ये ज्यादा पेड़ पौधे काटना हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। लेकिन कागज बनाने के लिए हमें ये नुकसान भी सहना पड़ रहा है। सन 105 में चीन में सर्वप्रथम कागज बनाया गया था। वहां से यह आविष्कार कोरिया, जापान और अन्य देश में जा पहुंचा। चीन से तिब्बत होकर कागज बनाने की कला भारत आई और उसके बाद अरब वासियों ने इसे प्राप्त किया। इटली में कागज बनाने की कला का विकास हुआ तो ये सारे यूरोप में फैल गया। उसके बाद कलम, पेंसिल आदि का आविष्कार हुआ तो कागज का प्रयोग बढ़ गया। और उसके बाद जब छपाखाना आदि आविष्कार हुए तो कागज में पुस्तकें छपने लगी। आज संसार के सभी देशों में कागज बनाने के कारखाने खुल गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन, रूस आदि देश कागज के उत्पादन में आगे हैं। हमारे भारत के कौन से जगह में कागज बनती है? भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब में कागज बनाने की कारखानाएं हैं। असम में भी जागीरोड और जोगीघोपा नामक जगह पर कागज के कारखानाएं हैं। कामरूप जिले के पानीखाइती नामक स्थान पर हार्ड बोर्ड यानी कि मोटा कागज बनाने का एक कारखाना है। आजकल कंप्यूटर के प्रयोग के बढ़ने के वजह से कागज का प्रयोग थोड़ा कम हो चुका है। कई प्रकार की पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें हम कंप्यूटर के द्वारा ही पढ़ सकते हैं।
आज सभी विभागों के कार्यालयों एवं बैंकों में भी कंप्यूटर से ही कार्य हो रहा है, तो इससे कागज का इस्तेमाल कम हो गया है। ये अच्छा भी है कुछ हद तक, क्योंकि कागज की वजह से जो पेड़ पौधे काटे जाते हैं वो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन कागज हमारे लिए बहुत ही उपयोगी वस्तु है। पढ़ने के बाद हम कागज को इधर उधर फेंक देते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कागज कभी भी रद्दी नहीं होता, इसे पुनरावर्तन किया जा सकता है, तो कागज को हमें फेंकना नहीं चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए, कागज का पुनरावर्तन करना चाहिए। तो कैसा लगा आप लोगों को कागज की कहानी? जरूर अच्छा लगा होगा। यहाँ आप लोग घर में इसे पाठ को अच्छी तरह से पढ़िएगा। अब हम कुछ शब्द अर्थ जान लेते हैं। रेशा, रेशा माने इसे आम, बारीक बारीक माने अति सूक्ष्म बा पातल। लुगदी, लुगदी माने लुठुरी निसेना। तरकीब, तरकीब माने उपाय। नुकसान दे माने क्षतिकारक। पुनरावर्तन माने पुनर व्यवहार करিব পৰা। আৰু ৰদ্দি, ৰদ্দি মানে কি? আমাৰ কামত নহা বস্তু বিলাক। अब हम पाठ से कुछ प्रश्न और उत्तर की आलोचना करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्नों के लिए दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर चुनो। का, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत, चीन, जापान, ब्रिटेन। उत्तर है चीन। ख, प्राचीन चीन में किस पेड़ से कागज बनाया जाता था? पेपिरस, शहतूत, बांस, गन्ना। उत्तर है शहतूत। ग, उत्तम कागज किससे तैयार होता है? पेड़ के गूदे से, रेशे से, पत्ते से, छाल से। उत्तर है रेशे से। एक वाक्य में उत्तर दो। कागज किस प्रकार आज हमारी जीवनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन गया है? उत्तर है, हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों में कागज का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, इसलिए कागज आज हमारी जीवनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। दूसरा प्रश्न है, कागज का आविष्कार किसने किया? उत्तर है, साइलून नामक एक चीनी व्यक्ति ने कागज का आविष्कार किया था। उसके बाद है, अंग्रेजी भाषा का पेपर शब्द किस शब्द से बना है? उत्तर है, अंग्रेजी भाषा का पेपर शब्द पेपिरस शब्द से बना है। चौथा प्रश्न है, पेड़ के रेशों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? उत्तर है, पेड़ के रेशों में पेक्टिन, मारी, चीनी आदि कई प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। अब मैं आप लोगों को दो प्रश्न दे रही हूँ, यह आप लोगों का गृह कार्य है। पहला प्रश्न है, कागज का आविष्कार कब और कहाँ हुआ था? दूसरा प्रश्न है, असम में कहाँ पर कागज बनाने के कारखाने हैं? आशा करती हूँ आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। पाठ को अच्छी तरह से पढ़कर घर में होमवर्क कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।